नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का क्लेश शुरू हो गया है। दिल्ली से रायपुर तक विधायकों की दौड़ शुरू हो गई है। आज बड़ी खबर आई है कि नवरात्रि में कांग्रेस सीएम बदल सकती है छत्तीसगढ़ में। अब इस पर भूपेश बघेल का रिएक्शन भी आ गया है। विधायकों के दिल्ली जाने पर बघेल ने कहा है कि एमएलए कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं और सीएम बदले जाने के सवाल पर कहा कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं हो सकता है। 85 एमएलएज नेशनल कैपिटल में चले गए हैं और बात बोली जा रही है कि वहाँ पे वो कैंप करें। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है वो वहाँ चले गए, यहाँ अभी रायपुर राजधानी में कितने विधायक हैं? सर अभी नहीं मालूम, 35 प्लस विधायक तो हैं यहाँ पर। यहाँ? यस सर। वो अपने क्षेत्र में कि रायपुर में? बट सर द टाइमिंग ऑफ इट इज वेरी डाउटफुल। कोई डाउटफुल नहीं है, जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। वो घूम फिर के आ जाएंगे तो उसमें तकलीफ क्या है? आ जाएंगे तो फिर उतनी खबर छापोगे क्या? वो आ गए सर, लेकिन 25 एमएलए साथ मिलाना पड़ेगा। डॉक्टर रमन सिंह डॉक्टर रमन सिंह आपकी चिंता कर रहे हैं, सीएसए देव कह रहे हैं कि आला कमांड ने फैसला ले लिया है, फैसले का इंतजार है। हाँ। और विधायक भी दिल्ली जा रहे हैं, अब ये दोनों घटनाक्रम क्या सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? आप किस तरह से देखते हैं? आजकल इत्तेफाक बहुत होता है। डॉक्टर रमन सिंह भी चिंता मुझे तो डॉक्टर साहब की बड़ी चिंता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे और दुर्गावती, क्या नाम उनका, धीरेन्द्रेश्वरी जी, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं, किसी चेहरे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। रमन सिंह जी का, मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरेंद्रेश्वरी जी ने कहा ये भी वो छोटा चेहरा भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा अपमान किसी पूर्व मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? मुझे चिंता उसकी है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पंजाब हो गया है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब, और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़। तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है, और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में, और दूसरी कोई समानता नहीं। मुंगेली में क्या सौगात देने जा रहे हैं? अब वहाँ जाके देखना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।